नमस्कार, मैं सुजाता रथ आप सभी का स्वागत करती हूँ लिटरेरी गुरु में। लिटरेरी गुरु में आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शायर के साथ जिनकी शायरी में जीवन की विडंबनाएं हैं तो प्रेम के विविध रंग भी हैं। वे जब कल्पना की उड़ान भरते हैं तब भी अपने पांव जमीन पर टिका कर रखते हैं और शायद ये उनके लिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी भी हैं और संप्रति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में आयुक्त कमिश्नर के पद पर हैं। हम स्वागत करते हैं श्री आलोक यादव जी का। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सुजाता जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आलोक जी, आपके लिए कहा जाता है कि आप तार्किक बुद्धि और भावुक हृदय रखते हैं, तो ये बताइए कि जब आप कमिश्नर की कुर्सी पर होते हैं तो तार्किक बुद्धि के साथ काम करते हैं या भावुक हृदय के साथ या दोनों के साथ? देखिए, मुझे इस बात पे याद आता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि सरकारी कार्यों में हमको जो है भावनापूर्ण होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। तो हम तार्किक हृदय, तार्किक मस्तिष्क के साथ काम करते हैं और साथ ही भावना प्रधान भावना भी रखते हैं और उसका प्रयोग करते हुए अच्छा निर्णय करने की कोशिश करते हैं। जी, तो आपके जीवन और लेखन से जुड़े बहुत सारे प्रसंगों के बारे में श्रोता जानना चाहेंगे, साथ ही आपके पसंद के कुछ गाने भी सुनना चाहेंगे जी। तो चलिए शुरुआत आपके पसंद के गाने से ही कर लिया जाए जी। तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? नए गानों में मुझे केके का एक गाना बहुत पसंद है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। चलिए सुन लेते हैं। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, बेचारा कहाँ जानता है खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है, जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। फरहत एहसास साहब ने आपके लिए कहा है कि आलोक के जीवन में शायरी अफसरी से पहले आई और फिर आती चली गई, तो आलोक जी कब शायरी के जो अंकुर हैं वो प्रस्फुटित हुए? जी, फरहत साहब का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी किताब पे लिखा और उन्होंने सही लिखा है। उनके लिखने के दो तात्पर्य हैं, पहला तो ये कि शायरी मेरे जीवन में वास्तव में पहले आई, दूसरा ये भी कि शायरी मेरे अफसरी पे हावी रहती है। अच्छा, तो वो मुझे शायरी के रूप में आगे देखते हैं अफसरी से। जहाँ तक लिखने की बात है तो लिखना मेरा आरंभ हुआ था स्कूल के समय, जब मैं केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में पढ़ता था उस समय लेखन कार्य शुरू हुआ था और पहली कविता कोई 10th 11th में मैंने लिखी थी। 10th 11th में पहली कविता लिखी थी, तो कुछ याद है वो कविता की पंक्तियाँ? जी, वो याद तो नहीं है क्योंकि उस समय लिखी थी और वो खो गई कहीं ट्रांसफर्स में, बहुत सारे कागज बहुत सारी किताबें खो गई, बहुत सारे पब्लिकेशंस भी खो गए हैं, लेकिन वो मैंने लिखी थी अपने सीनियर्स की विदाई पे। जो 10th और 12th क्लास के हमारे सीनियर्स थे उनकी विदाई हो रही थी, तो उस पे मैंने एक कविता लिखी थी और उसका पाठ मैंने उस विदाई समारोह में किया था। जी, तो आलोक जी, कोई कविता जो आज भी इस वक्त आपको याद है
उसकी कुछ पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे? उस समय की कविताएं मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 1993 में 1993 में मैंने आखिरी कविता लिखी थी अपने पहले दौर की। शायद जिन लोगों ने किताब पढ़ी उनको पता होगा कि मैंने 20 साल तक अपने आप को इन सब से दूर रखा। 1993 से पहले बहुत सारा लिखा मैंने, कहानी, कविताएं, लेख, फीचर्स, रिपोर्ट्स, सब तरह से, और आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद से बहुत सक्रिय रूप से मैं जुड़ा रहा। 1993 में जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सीरियसली तैयारी शुरू कर दी और उस समय अपने आप को सब चीज़ों से कट ऑफ कर लिया, और फिर उसके बाद जब नौकरी में आया मैं तो नौकरी की व्यस्तताएं थी, फिर उसके बाद परिवार की थी, तो लिखना लगभग बंद हो गया। और 20 साल बाद लगभग 2012-13 में फिर से लिखना शुरू हुआ, और जब ये लिखना शुरू हुआ तो मैंने फिर केवल और केवल गजल लिखी है। 2-4 गीत और 2-4 नज्म भी हैं, लेकिन मूलतः मैं गजल का शायर हूँ। उस समय की एक कविता थी जो कुछ टूटी फूटी सी मुझे याद है, होली पे लिखी थी मैंने और सरिता में छपी थी। उसमें था कि तुमने भी कैसी खेली होली, यूं दूर खड़े ही बिना रंगे ही नैनों से खेली, नहीं अंग लगे तुम नहीं गले मिले तुम, बिन जोरा जोरी खेली कैसी तुमने होली। क्या बात है। इस तरह से दो बंद मुझे अभी याद आ गया आपके कहने के बाद, तो मैंने आपको सुनाया। तो आलोक जी, ये एक बहुत लंबा गैप आया, स्वभावतः आप लेखक तो हैं ही, लेकिन बीच में सिविल सर्विसेज और नौकरी, बहुत सारी चीज़ें आ गई समाज की, तो उससे बहुत एक लंबा एक गैप आ गया, लेकिन उसके बाद आपने पुनः लिखना शुरू किया और जो आपका लेखक का जो आपका व्यक्तित्व तो है वो पुनः एक बार फिर उजागर हुआ। तो यहाँ पर आपने इतनी सुंदर पंक्तियाँ बताई, नैनों से खेली होली, तो इस पर कोई गीत सुनने का मन कर रहा है आलोक जी, तो यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लें सर। बिल्कुल। तो आलोक जी की पसंद का एक गाना हम सुनते हैं, नैनों से बांधी कैसे डोर। जी जी, बेशक, बहुत बहुत खूबसूरत गीत है। दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुंसिफ ही मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर, चाहे सौ गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं, हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा,
ऐसी डोर रे, हाँ मैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। जाने माने शायर और लेखक आलोक यादव आज हमारे मेहमान हैं लिटरेरी गुरु में। आलोक जी की रचनाएं तमाम नामी पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। 2016 में आपका प्रथम गजल संग्रह उसी के नाम प्रकाशित हुआ था और हाल फिलहाल 2022 में दूसरा गजल संग्रह कलम जिंदा रहेगा प्रकाशित हुआ है, जिसकी काफी चर्चा है और इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे आलोक जी। लेकिन फिलहाल हम आते हैं आपके बचपन और आपके युवावस्था के दिनों में। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाएं, लेकिन बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज सब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुआ, तो इसके बारे में कुछ बताइए आलोक जी। जी, मैं फर्रुखाबाद जनपद है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का निवासी हूँ और वहाँ की एक तहसील है कायमगंज जहाँ मेरी ननिहाल थी, ननिहाल में जन्म हुआ। उसके बाद फतेहगढ़ जो मुख्यालय है फर्रुखाबाद जनपद का, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ हमारे पिताजी वकील थे। और उसके बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में चला गया BSc करने के लिए। लखनऊ से निकल के फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MBA करने गया। जब मैं फतेहगढ़ से निकल कर, केंद्रीय विद्यालय से निकल कर लखनऊ विश्वविद्यालय में गया, तो फतेहगढ़ में एक हमारे अंकल थे, एक हमारे दोस्त के घर में रहते थे, जिनसे मैंने शुरुआती दौर में कविता सीखने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कम समय हम उनके साथ रहे, श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो उन्होंने अपने कुछ कवि मित्रों से मेरा परिचय करा दिया और उन्होंने मुझे आकाशवाणी तक पहुँचा दिया जी। आकाशवाणी लखनऊ वो पहला मंच था जिसने मुझे संवारा, निखारा और मेरी प्रतिभा को पहचाना, ग्रूम करने में मुझे बहुत मदद की। उसकी वजह से मैंने लगातार लिखना अपना जारी रखा। साथ में मैंने वहाँ पे कहानी भी लिखना शुरू किया और कहानी मेरी वहाँ के समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते थे, जिनमें प्रमुख था स्वतंत्र भारत। जब मैं इलाहाबाद पहुँचा तो इलाहाबाद में भी आकाशवाणी से जुड़ा और एक माया प्रेस होती थी, उसमें मनोरमा मैगजीन थी। मनोरमा मैगजीन से मैं लगातार जुड़ा रहा, उसमें फीचर्स लिखता रहा मैं, परिवार और समाज से संबंधित। फिर कुछ साहित्यकारों का इंटरव्यू मैंने किया और उन पर फीचर्स लिखे, वो भी बहुत सारी मैगजीन्स में छपते रहे। इस तरह से लेखन और पठन पाठन दोनों जारी रहा मेरा जी। तो आलोक जी, ये सिविल सर्विसेज की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, आपको कैसे लगा, कब लगा और क्यों लगा कि आपको प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है? जी, दरअसल जो छोटे शहरों में लोग हैं और पिछड़े समाज में जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो इंटरेक्ट करते हैं वो करते हैं प्रशासन से, पुलिस से, जिला प्रशासन से, बाकी और जो शासकीय अधिकारी हैं उनको देखते हैं और उनके उनसे चमत्कृत होते हैं एक तरह से। मेरे घर में भी सरकारी अफसर थे कई, तो मेरा भी एक झुकाव था नेचुरल। और हमारे समाज में ये मानना भी जाता था कि सरकारी नौकरी ही सबसे अच्छी है और उसमें जितना बड़ा अधिकारी आप बन जाएं उतना अच्छा है। चलिए, तो ये आज जब आप एक इतने बड़े सरकारी अधिकारी हैं उच्च पद पर, आपको कैसा लगता है कि आपका जो निर्णय था, आपकी चॉइस थी, वो सही थी? बिल्कुल सही थी, मुझे कोई अफसोस किसी तरह का नहीं है, बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो ईश्वर ने दिया बहुत अच्छा थी। चलिए, इसी बात पर एक गाना हो जाए। जरूर जरूर। तो आलोक जी की पसंद का एक गाना हम सुनते हैं, KK की आवाज में, दिल क्यों ये मेरा, फिल्म काइट्स का। जी, बहुत खूबसूरत गाना। चले
चले लिटरेरी गुरु में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने लेखक और शायर आलोक यादव जी, जो शायर होने के साथ साथ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और साथ में हूँ मैं सुजाता रथ। फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक मुजफ्फर अली साहब ने आपकी शायरी के लिए कहा है कि उनकी शायरी दर्द के साथ जीना सिखाती है, दर्द को सराहना सिखाती है। तो आलोक जी, एक शायर दर्द को, चाहे वो प्रेम का दर्द हो या जीवन की वास्तविकताओं विसंगतियों का दर्द हो, उसके प्रति औरों से ज्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि उसका हृदय, जैसे कि आपने कहा, भावुक होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायर तो या कवि तो वही हो सकता है जो संवेदनशील है जी। और हर इंसान का जो मेकअप है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। संवेदनशील होने के साथ साथ हम किस बात के लिए ज्यादा संवेदनशील है, इस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मेरा अपना जो झुकाव रहा है वो समाज के दर्द के प्रति ज्यादा रहा है, और मेरी रचनाओं में आप प्रेम देखेंगे, साथ में समाज की अन्य विसंगतियां भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति मेरा क्या नजरिया है, और उनमें किस तरह से हम कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं, ये भी कोशिश करते हैं, क्योंकि साहित्यकार समाज सुधारक नहीं है, किंतु वो दिशा की तरफ इंगित जरूर कर सकता है। तो आलोक जी, आपके हाथ में मैं एक पुस्तक भी देख रही हूँ जी, ये आपका लेटेस्ट गजल संग्रह कलम जिंदा है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ खास पंक्तियां जो आपको बहुत प्रिय हैं वो इसमें से आप कुछ पढ़कर हमें सुना दें। देखिए, अभी आपने प्रेम की बात की, तो प्रेम और समाज का मिला जुला एक भाव लेकर एक गजल है मेरी, उसके कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ। कि वो एक बिंदास सी लड़की, अधर पे हास सी लड़की, वो एक बिंदास सी लड़की, अधर पे हास सी लड़की, कोई सब हार दे जिस पर, विजय की आस सी लड़की। क्या बात है। है वैरागी कभी रागी, किशन के रास सी लड़की, चली है जीतने जग को, अटल विश्वास सी लड़की, खुले जो रोज परतों सी, नए एहसास सी लड़की। क्या बात है। वो पहले प्यार के पहले अजब आभास सी लड़की, खिलाए पुष्प आशा के सदा मधुमास सी लड़की, अजान और आरती सी वो किसी अरदास सी लड़की। बहुत सुंदर, कहीं आलोक देखी है वो तुमने खास सी लड़की। तो आलोक जी, आपने तो एक लड़की का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है जी। और बहुत अच्छा लगा सुनकर, और श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लें सर। बिल्कुल। तो जिस तरह की पंक्तियां आपने सुनाई आलोक जी, तो उसी से मिलता जुलता कोई नगमा जी, कौन तुझे यूं चाहेगा। अरे फिल्म एमएस धोनी। क्या बात है, क्या बात, कौन तुझे यूं चाहेगा। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे तेरे
करती हूँ। तो जाने माने शायर और लेखक आलोक यादव जी आज हमारे मेहमान हैं लिटरेरी गुरु में। मैं हूँ सुजाता रथ। और आलोक जी, आपके आपने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आपकी पढ़ाई लिखाई हो और लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने कॉलेज किया। तो कॉलेज के दिनों में तो एक ख़ास दौर होता है आलोक जी, वो जब हर तरह की मस्ती हम करते हैं और आकर्षण भी बहुत होता है और एक कवि के लिए, लेखक के लिए प्रेम जो होता है वो उसके हृदय में हमेशा होता है। तो उन दिनों का कोई वाक्या, कोई बात, वो पहला आकर्षण आपको क्या लगता है, वो पहला आकर्षण कब हुआ? हाँ, वैसे आप थोड़ा आगे निकल गई। पहला आकर्षण तो स्कूल में होता है। हाँ। और कॉलेज में क्रश, तो पहला क्रश, पहला आपका क्रश कह लीजिए, पहला आकर्षण कह लीजिए, 12th class तक लोग महसूस कर लेते हैं। तो स्कूल में था, लेकिन हमारे समय में एक ऐसा माहौल था जब लड़के लड़कियां दूर रहते थे और साथ बैठते भी नहीं थे, बात करना भी थोड़ा मुश्किल होता था, बातें मिलना तो बहुत दूर की बात थी। तो जो कुछ होता था वो चोरी छुपे होता था। अच्छा, तो केंद्रीय विद्यालय तो कोएड है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोएड होते हुए भी आप देखिए कि वहाँ पे लड़कियां अलग बैठती हैं, लड़के अलग बैठते हैं, खेल भी अलग अलग होते थे। एक जो हाउस वाला पीरियड होता था, शाम को जो वीकेंड्स पे हाउस लगता था, उसमें जरूर साथ बैठते थे। तो आकर्षण मुझे एक के प्रति था जो बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। हाँ, तो चूंकि मैं लिखता था और वो गाती बहुत अच्छा थी, तो इस वजह से मुझे आकर्षण था।
तो जो वो गाना जो वो गाती थी खास करके, वो गाना आपको याद है आज? वो एक गजल गाती थी, वो गजल दो तीन गजल गाती थी। एक गजल उनकी थी कि वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। क्या बात है, तो यहाँ पर उस गजल को हम सुन ले। हाँ, अगर बहुत ही लोकप्रिय तो गजल है। जी बेशक, मैंने पहली बार उन्हीं के मुंह से सुनी थी। हो सकता है कि गजल के प्रति जो मेरा आकर्षण है वो उसी वजह से हो। बिल्कुल ठीक आपने कहा। यहाँ आपकी चोरी पकड़ी गई। तो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन बा दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइया। दिन बा दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइया। पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रूपा फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जाने माने शायर और लेखक आलोक यादव जी हमारे अतिथि हैं लिटरेरी गुरु में। तो आलोक जी, आपके गजल संग्रह कलम जिंदा रहेगा जिक्र हमने छेड़ा, तो भारतीय ज्ञानपीठ ने आपका नवीनतम गजल संग्रह कलम जिंदा रहेगा प्रकाशित किया है। और जब मैं इसके पन्ने पलट रही थी तो आपकी लिखी ये पंक्तियाँ सचमुच मेरे दिल को छू गईं। ये पुस्तक आपने अपनी धर्मपत्नी को समर्पित करते हुए लिखा है। इस घर की सारी खुशियाँ रखकर कहाँ गई तुम, इस घर की सारी खुशियाँ रखकर कहाँ गई तुम, ढूंढे हैं मिलके सारे मिलती नहीं किसी को। तुम्हारे बाद छाएगी घटा भी गुल भी महकेंगे, हर एक रुत आएगी पर वसल का मौसम नहीं होगा। जी, तो सचमुच ये दर्द भरी पंक्तियां हैं। जी आपने सच कहा, मैंने ये इस किताब का समर्पण भी अपनी पत्नी को किया है और इसमें लिखा भी है मैंने जैसा कि कोविड का दौर मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर रहा है। मैंने अपनी पत्नी को खोया पिछले साल 24 अप्रैल 2021 को, और उस दौर में कुछ ऐसी गज़ल भी आईं जो कि उसी कर्ब को बयान करती हैं। और उसी में एक शेर था ये कि इस घर की सारी खुशियाँ रखकर कहाँ गई तुम, ढूंढे हैं मिलके सारे मिलती नहीं किसी को। और इसका जो मतलब था इस गज़ल का वो ये था कि हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को
हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को बेबस से देखते हैं हम उनकी बेबसी को। बहुत खूब। इस घर की सारी खुशियां रख कर कहां गई तुम, ढूंढे हैं मिलके सारे, मिलती नहीं किसी को। तो आलोक जी, थोड़ा सा हमारा जो माहौल है वो थोड़ा सा दर्द भरा हो गया है, और कुछ यादें सिर्फ एक जन्म तक ही नहीं, मुझे लगता है जन्मों तक हमारे साथ रहती हैं, जुड़ी रहती हैं कुछ यादें। तो यहाँ पर एक हम गीत सुनेंगे। जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। जाने माने शायर और लेखक आलोक यादव जी हमारे मेहमान हैं लिटरेरी गुरु में। तो आलोक जी, कलम जिंदा रहेगा ये आपका नवीनतम गजल संग्रह है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया और काफी चर्चा में है ये संग्रह जी। तो ये जो नाम है कलम जिंदा रहेगी, बहुत कैची नाम है जी। तो इसके पीछे का क्या राज है, कलम जिंदा रहेगा जी? मेरी गजल है, उसका एक शेर है, उसका मतलब है नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। ताबिंदा मतलब चमकदार रहेगा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा। क्या बात है। यानी कि जो लेखक है, इंसान है, वो चला जाता है, उसकी कृतियां जो हैं, उसकी रचनाएं हैं, उसके माध्यम से वो हमेशा जिंदा रहता है। मैं समझता हूँ कि जो मैं लिख के जा रहा हूँ, शायद अगर आपके दिलों में मैं उसके माध्यम से जिंदा रहूंगा तो मेरे जीवन की सफलता भी है और मेरी रचना धर्म की सफलता भी है। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें आलोक जी। जी। तो यहाँ पर हम सुनना चाहेंगे अगर तुम साथ हो। ओ, अच्छा अच्छा। अलका याग्निक के आवाज में है, ये बहुत ही पॉपुलर गाना है। बहुत पॉपुलर गाना है।
लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द जी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम तो ये गाना हमने सुना आलोक जी की पसंद का अगर तुम साथ हो फिल्म तमाशा से तो आलोक जी फिल्म देखने का शौक है आपको आश्चर्य होगा कि मैंने पिछले 3 साल से कोई फिल्म नहीं देखी लेकिन गाने सुने और, उनके न सिर्फ फिल्म मैंने कोई सीरियल कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी मैं जानता भी नहीं हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है कैसे उस पर एक्सेस करते हैं जी। मैंने आज तक कोई भी सीरियल नहीं देखा हाँ गाने सुनने का मुझे बहुत शौक है और सच बात यह है कि जब मैं सुबह अपनी तैयारी करता हूँ एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जब मैं तैयार होता हूँ उस समय मैं गाने जरूर सुनता हूँ अमूमन तो मैं पुराने गाने सुनता हूँ क्योंकि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है लेकिन कभी कभी जो लेटेस्ट रिलीज होती हैं और जो कभी कानों में पड़ जाती हैं कहीं जी। और बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं मुझे केवल और केवल मेलोडियस सॉन्ग्स पसंद है तो जब पड़ जाते हैं तो दिल में बस जाते हैं जी। तो यही वजह है कि जो गाने आपने चुने वो सब आपने कहा है। कि आपके श्रोताओं को नए गाने सुनाने हैं जी। तो मैंने कहा कि ठीक है जो मुझे पसंद है वो मैं सुना देता हूँ मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं को भी पसंद आएंगे तो आलोक जी बताइए कि लेटेस्ट मूवी आपने कौन सी देखी देखिए मैंने बताया आपको 3 साल से मैंने मूवी नहीं देखी एक कंगना रनौत की फिल्म थी जो आई थी वो फिल्म अच्छी फिल्म थी चूंकि वो बायोग्राफी थी किसी प्लेयर की तो मुझे पसंद आई और मैं इसीलिए देखने गया था तो जिस फिल्म का आपने जिक्र किया वो कंगना रनौत की फिल्म पंगा जी बेशक जिसमें वो कबड्डी की प्लेयर कबड्डी प्लेयर बनी है बिल्कुल तो बहुत खूबसूरत रोल किया उन्होंने जी तो ये आपकी लास्ट फिल्म थी जो आपने देखी ये लास्ट फिल्म थी उसके बाद से अब तक नहीं देखने का मौका मिला मुझे अच्छा तो आलोक जी एक लेखक और कवि जो है वो जो वो महसूस करता है समझता है और लिखना चाहता है अमूमन वही लिखता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके जो दोस्त होते हैं सर्कल होता है उनमें बहुत से लोग होते हैं जो ये फरमाइश करने लगते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ लिखिए हम पर भी कुछ लिखिए जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आपने एक बहुत अच्छी कविता लिखी किसी के कहने पर किसी के लिए जी अक्सर ऐसा होता है कि लोग कभी कहते हैं कि इस सिचुएशन पर लिखिए या इस घटना पर लिखिए जब रिसेंटली कोई घटना हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि आप सब पे लिखते रहते हैं इस पर नहीं लिखा आपने तो ऐसे कलम चलती नहीं है जब तक जहन ना चले और जहन तब चलता है जब दिल में कोई बात छू जाती है तो मुझे लगता है कि शायद पूरे जीवन में मैंने किसी के कहने पर कुछ लिखा नहीं है सिवाय एक कविता के जो मुझे याद है और वो 1993 का जो आखिरी दौर था मेरा लेखन का उसमें ही लिखी गई थी और मैंने वो कविता लिखी थी किसी के कहने पर वो कविता आपको सुना सकता हूँ अगर आप कहें तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा मुझ पर कविता लिखो तो मैंने लिखा मैंने कविता क्या लिखूं तुम पर कविता क्या लिखूं तुम पर परिचय कितना बस क्षण भर कविता क्या लिखूं तुम पर परिचय कितना बस क्षण भर जैसे विद्युत चमक गई हो जैसे मेघ बरस गए हो दग्ध मरुस्थल सुजल हुए हो क्या देखा है स्वप्न जागकर कविता क्या लिखूं तुम पर कैसे तेरा रूप बखानूं कैसे तेरी नजर उतारूं भावों को शब्दों में ढालूं पद्मावत में लिख डालूं क्या बात कविते तुम जो जाओ ठहर कविता मैं लिखूं तुम पर बहुत सुंदर और ये जो कविता आपने पढ़कर सुनाई इसमें हमें हिंदी के ठेठ शब्द सुनने को मिल रहे हैं और बाद में आपने गजल की तरफ रुख किया जी ये आपने जैसा कि कहा कि 1993 में जो लेखन का पहला दौर था उसकी आखिरी कविता थी और बाद में आप गजल की तरफ आए जी हुआ ऐसा कि जब पुरानी फिल्में देखते थे उसमें उर्दू का इस्तेमाल बहुत होता था पुराने गानों में भी उर्दू का इस्तेमाल होता था समहाउ वो एक इश्क हो गया उर्दू से और इश्क तो पहले ही हो गया था जब मैं पढ़ता था जब मैंने लेखन शुरू किया तब से उर्दू पे इश्क था लेकिन बाकायदा मैंने जो उर्दू सीखी है जैसे वोकैबुलरी तो मैंने क्रिएट करता रहा अपनी सुन के लेकिन मैंने सीखी उर्दू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उस समय मेरा एक परिचय हुआ वहाँ एक उर्दू की प्रोफेसर थी डॉक्टर अतिया निषाद खान अब नहीं है अभी कुछ समय पहले ही उनका इंतकाल हुआ है तो उनके परिवार से मेरा बहुत घनिष्ठ नाता रहा वो मुझे अपने बेटे की तरह मानती रही हमेशा मैंने उनसे एक बार कहा कि मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ यूनिवर्सिटी के एक सर्टिफिकेट कोर्स में करा दिया मैंने बाकायदा क्लास भी किया और एग्ज़ाम भी दिया सर्टिफिकेट भी हासिल किया ये बात है 89 की और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ चूँकि लिखना बंद हो गया तो जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चीज़ें भूल भी जाते हैं जी। 2013 में जब मैंने गज़ल प्रॉपर गज़ल सीखी गज़ल का क्राफ्ट सीखा तब मैंने संपर्क किया उस्तादों से
اور مجھے ایک استاد ملے عقیل نعمانی صاحب جو کہ بڑے شاعر ہیں, ان سے میرا پرچے ہوا, ان سے میں نے غزل کا کرافٹ سیکھا. غزل ایک بہت مشکل ودھا ہے جی. اس میں دو پنکتیوں میں آپ کو پوری بات کہنی ہے پہلی بات تو, دوسرے اس کا ایک ردم ہوتا ہے, اس کی ایک بہر جس کو بولتے ہیں بہر ہوتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کو نبھانا پڑتا ہے. تب میں نے اردو دوبارہ پھر سے پڑھی اور باقاعدہ ایک ٹیچر لگائے ہم نے, استاد لگائے. وہ آتے تھے, ینگ ریسرچ اسکالر تھے بریلی میں جی. اس میں بریلی پوسٹڈ تھا میں, انور صاحب تھے, انور وارسی صاحب, انہوں نے مجھے اردو پڑھائی جی. اور اس طرح سے اردو پھر سے سیکھی میں نے اور غزل کہنا سیکھا. اس کے بعد سے دو سنگرہ آ گئے میرے آپ کے سامنے. تو چلیے, ہماری شبھ کامنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے اور بھی سنگرہ آئے. یہاں پر ہم ایک میوزیکل بریک لیں گے آلوک جی, اور کون سا گیت آپ سنوانا چاہیں گے؟ راتاں لمبیاں. بہت اچھا گیت ہے, یہ پسند ہے مجھے بہت. نظروں سے دور کتھے چلیے تو, کتھے چلیے تو, کتھے چلیے. جاندا ہے دل یہ تو جان دیا تو, تیرے بنا میں نہ رہوں میرے بنا تو. کتھے چلیے تو, کتھے چلیے تو, کتھے چلیے. کاٹوں کیسے راتا ہو ساورے, جیا نہیں جاتا سن باورے. کہ راتاں لمبے آ رے کٹے تیرے سنگے آ سنگے آ رے. کہ راتاں لمبے آ رے کٹے تیرے سنگے آ سنگے آ رے. چم 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 امبراں دے تارے کہندے نے سجنا, اس دل دا من لوے سجنا. تیرے بنا میرا ہووے نا گزارا, چھڈ کے نہ جاویں مینو تو ہی ہے سہارا. کاٹوں کیسے راتا ہو ساورے, جیا نہیں جاتا سن باورے. کہ راتاں لمبے آ رے کٹے تیرے سنگے آ سنگے آ رے. راتاں لمبے آ رے کٹے تیرے سنگے آ سنگے آ رے. تیری میری گلائے ہوگی مشہور, کرنا کبھی تو مینو نظروں سے دور. پیچھے چلیے تیرے پیچھے چلیے تیرے پیچھے چلیے. جاندا ہے دل یہ تو جان دیا تو, تیرے بنا میں نہ رہوں میرے بنا تو. کتھے چلیے تو, کتھے چلیے تو, کتھے چلیے. کاٹوں کیسے راتا ہو ساورے, جیا نہیں جاتا سن باورے. کہ راتاں لمبے آ رے کٹے تیرے سنگے آ سنگے آ رے. کہ راتاں لمبے آ رے کٹے تیرے سنگے آ سنگے آ رے. انٹرنیشنل انٹلیکچوئل پیس اکیڈمی دوارا ڈاکٹر اقبال اردو اوارڈ 2014, ڈاکٹر آصف بریلوی اوارڈ 2014, دشینت کمار سمان 2015, سرجن ساہتیہ سمان, جشن ادب دوارا پوئٹ آف دا ایئر 2021, ایسے کئی سمانوں سے آلوک یادو جی آپ سمانت کیے جا چکے ہیں, اور سمانوں کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا, ہم سب کی شبھ کامنائیں ہیں. تو آلوک جی, ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہندی چھیتر کا ویکتی کس طرح سے اردو شاعری میں اپنا ایک مقام بناتا ہے اور آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو آلوک جی, منچ
मंच पर कविता या गजल पढ़ने का अपना एक अलग ही चार्म होता है, अनुभव होता है जी। तो आप एक सफल मंचीय शायर भी हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए कि मंच पर प्रस्तुत करने का आपका जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा है। दरअसल आपने कहा तो है कि मैं सफल मंची शायर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नहीं हूँ। और दरअसल इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहता है कि शायरी जो है वो किताबों वाली शायरी असली शायरी है, कोई कहता है कि मंचों के बिना शायरी पूरी नहीं होती। सच बात यह है कि अगर आपको मासेस तक पहुँचना है, अगर आपको लोगों तक पहुँचना है, जनता तक पहुँचना है, आम आदमी तक पहुँचना है, तो आपको मंच से बेहतर साधन कोई और नहीं मिलता। उसका कारण यह है कि आप जब मंच पे अपनी प्रस्तुति देते हैं तो आपको केवल आपके शब्द नहीं सुने जाते, आपको देखा भी जाता है जी। आपके हाव भाव, आपकी प्रस्तुति, इन सबको मिला के वो एक प्रस्तुतिकरण बनता है, और उसका असर जो है वो इन सबका मिला जुला असर होता है। जैसे किसी ने कहा है कि तरुण में पढ़ते हैं जो शायर वो बहुत प्रभावशाली अक्सर रहते हैं, बहुत तारीफ लूटते हैं। उसका कारण क्या है कि गजल तो अच्छी है ही है, उस तरन्नुम उसको और बेहतर बना देता है, प्रस्तुति दिल तक पहुंचती है। ये ऐसे ही है जैसे कि ताजमहल को, ताजमहल तो खूबसूरत है लेकिन ताजमहल को अगर चांदनी रात में देखा जाए जी, तो ज्यादा खूबसूरत है। ताजमहल तो वही है जी। तो चांदनी रात जो है वो एक तरन्नुम की तरह है और गजल जो है वो ताजमहल है जी। क्या बात है। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की थी और मुझे लगा कि ये एक माध्यम है। मैंने भी हालांकि बहुत कम जा पाता हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता और बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी, जैसे आकाशवाणी ने अभी 2 साल कोविड से पहले ताज महोत्सव में प्रोग्राम किया था, उसमें मैं गया था। तो इस तरह के जो थोड़े बेहतर प्रोग्राम होते हैं उसमें चला जाता हूँ कभी कभी मैं। तो कोई अनुभव आपको याद आता है जिसमें आप मंच पर हो और किसी श्रोता ने कुछ इंटरेक्ट किया हो आपके साथ या? जी, यही मैं कह रहा हूँ कि मंच से जो प्रस्तुति होती है वो एकदम से उसका आपको रिवार्ड तुरंत को तुरंत मिलता है, तुरंत मिल जाता है हाँ। और फिर उसके बाद अगर वो सोशल मीडिया पे चल रही है तो सोशल मीडिया से भी आपको प्यार मिलता रहता है जी। मैं एक बार गया था जिगर फेस्ट में, मुरादाबाद में बड़ा फेस्टिवल हुआ था और उसमें बड़े बड़े शायर थे जो देश के प्रमुख शायर हैं, माननीय हमारे बहुत ही प्यारे वसीम बरेलवी साहब वहाँ पे थे, गुलजार साहब थे, और हम मुझे भी प्रस्तुति का मौका मिला। और जब मैंने सुनाया तो इतनी तालियां मिली मुझे, मुझे उम्मीद नहीं जी, थी जी। पहली गजल पे मुझे इतनी तालियां और इतनी वाह वाह मिली कि हौसला बढ़ता जी। और उसके बाद भी लोग मुझसे मिलने आए। इसी तरह अभी मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ, उस संस्था ने जो वहाँ पे कॉलेज था उसमें प्रोग्राम किया था और उसमें हमारी किताब पे भी चर्चा हुई थी। वहाँ भी जब मैंने प्रस्तुति दी तो बहुत अच्छा मुझे रिएक्शन मिला, बाद में लोगों ने आके मिले भी मुझसे और मेरे बारे में जानने की कोशिश भी की। तो मुझे लगा कि ये जो 10-20 लोग भी अगर हैं जो कि आपको अपने साथ ले जा रहे हैं हम रचनाओं के माध्यम से, यही काफ़ी है आपके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो लोगों का प्यार है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शायर को, कलाकार को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए। आलोक जी, मैं भी चाहती हूँ और हमारे तमाम सुनने वाले भी चाहते हैं कि अपने गजल के कुछ शेर हम सभी सुनने वालों के लिए पेश करें। जी बेशक, मुझे खुशी होगी। एक शेर सुनिए कि सूप चलनी से भी बढ़कर निकले, सूप चलनी से भी बढ़कर निकले, 6 दिन में भी 72 निकले। क्या बात है। दफ्तरों में न मिला एक इंसान, दफ्तरों में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। क्या बात है। और जिनको समझा था तुरुप का पत्ता, ये दोस्तों के नाम एक शेर है जी। कि जिनको समझा था तुरुप का पत्ता, वक्त पढ़ने पे जोकर निकले। क्या बात है, आपके दोस्त सुन रहे होंगे इस वक्त। और इसी तरह से एक दो शेर और सुना देता हूँ मैं आपको, कि बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नजर में तू रहा, हम जाते जाते रह गए। क्या बात है। और एक शेर इस गजल का है कि किसी ने हाल पूछा था, किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। क्या बात है। आलोक जी, बॉलीवुड से भी आपका एक संपर्क सूत्र बना रहा है, गायिका कविता सेठ और अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब ने आपकी गजलों को स्वर दिया है जी। आपकी एक बहुत ही मशहूर गजल रही है पिता पर जी, जी, उसे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ गाया है, तो मैं चाहूंगी कि आप उस गजल की कुछ पंक्तियां यहाँ पर हमें सुना दें जी। वो बहुत खूबसूरत गजल है और उसकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी की उन्होंने। उसका शेर यह है कि माँ अगर है जमीन, आसमां है पिता, घर की दीवार माँ, साहिबां है पिता। क्या बात। थामली बाह मेरी पिता ने सदा, बन के संबल खड़ा, पासबां है पिता,
اور اس کے کچھ اور شعر بھی ہیں، لمبی غزل ہے. ایک شعر اس کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم سے آلوک یہی شخصیت سے ہماری عیاں ہے پتا. بہت سندر. اور آپ نے شاید اپنی فون کی جو کالر ٹیون ہے وہ بھی اس غزل جی, کو جی, بنا جی, رکھا ہے جی. اور اس کو بہت لوگوں نے پسند کیا، مجھ سے پوچھا بھی ہے. تو آلوک جی، بڑی سندر آپ کی پنکتیاں ہیں. پھر آنے کا وعدہ کر کے پت جھڑ میں، پھر آنے کا وعدہ کر کے پت جھڑ میں، ہاتھ چھڑا کے چلا گیا وہ پل بھر میں. پل بھر. اس غزل کو بہت سندرتا اور مدھرتا کے ساتھ گایا ہے کویتا سیٹھ جی. سیٹھ جی نے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ان کی آواز میں اس غزل کو ہم سن لیں. بہت اچھی بات ہے، ضرور سنیے. اچھی غزل ہے، پیاری غزل. آنے کا وعدہ کر کے پت جھڑ میں، پھر آنے کا وعدہ کر کے پت جھڑ میں، ہاتھ چھڑا کر چلا گیا پل بھر میں، پھر آنے کر کے پت جھڑ میں. جانے مانے شاعر اور لیکھک آلوک یادو جی ہمارے مہمان لٹری گرو میں. سمپرتی آپ شرم ایوم روزگار منترالے بھارت سرکار میں چھیتریہ بھوشیہ ندھی آیوکت کے پد پر کاریرت ہیں. آلوک جی، ہمارے بہت سے یووا پرشاسنک سیواؤں میں جانے کے اچھک رہتے ہیں جی، تو آپ انہیں کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ جو ان کا فوکس ہے، ان کی تیاری ہے، سب کچھ کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ سفلتا پراپت کر سکیں؟ جی، اس بارے میں لوگ اکثر بتاتے بھی رہتے ہیں اور میرا دور تو بہت پرانا دور تھا جی. لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہمیشہ کام آتی ہیں. یوگ کوئی بھی ہو، سمے کوئی بھی ہو، میں نے ہمیشہ یہ سیکھا کہ محنت کے علاوہ، پریشرم کے علاوہ کوئی اور مارگ نہیں. آپ کو پریشرم کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ آپ سول سروسز کی تیاری ہو، چاہے وہ اسکول کے ایگزام کی تیاری ہو، چاہے وہ سکسیزفل ہونے کے بعد آپ کو جب سروسز میں آ جائیں گے تب بھی آپ کو پریشرم کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے یہ سروسز میں پبلک پریشرز بہت بڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر ایموشنل بیلنس بھی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایموشنل بیلنس نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ محنت کریں اور لگاتار لوگوں کے سمپرک میں رہیں، اور ایک یہ بھاؤ ہونا چاہیے کہ آپ کو سوشل سروس کرنی ہے،
ये जो है सरकारी सेवा है वो सोशल सर्विस है एक तरह से, कि समाज के काम करने हैं आपको, समाज के लोगों के लिए काम करने हैं। जब तक आपका ये भाव नहीं रहेगा तब तक आप ना तो सफल हो सकते हैं, परीक्षा में भले ही सफल हो जाए बट जीवन में उतने सफल नहीं हो सकते। बहुत सुंदर बात आपने कही कि परीक्षा में भले ही सफल हो जाए लेकिन जीवन में सफलता के लिए हमारा जो इमोशनल बॉन्डेज है वो लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, मासेस के साथ। तो जाने माने शायर, लेखक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आलोक यादव जी हमारे साथ रहे लिटरेरी गुरु में। यादव जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपकी शायरी के लिए जो कहा जाता है, आलोक यादव की शायरी जमीन से जुड़ी है पर उसमें आसमान छूने की कोशिश पाई जाती है, तो इसी बात से प्रेरणा लेकर कि उड़ान तो भरें लेकिन जमीन से जुड़े रहें, इसी भावना के साथ कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद। इसके साथ हम श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, नमस्कार।